तो आज के यहाँ के मुख्य अतिथि श्री जुगल किशोर जी आए हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब आए हैं, और हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब, डीसी साहब, और जो भी यहाँ पर उपस्थित एसएसपी साहब, सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आज हम ये ई इनॉग्रेशन कर रहे हैं दिल्ली से, के लिए उधर पीछे नहीं जाएगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री से कि क्योंकि कोविड सिचुएशन है, सभी दूरी बनाकर रखें। आपको जैसे हमने चेयर लगाया था तो आप लोग अपना दूरी बना के रखें और यहाँ से कोई पीछे नहीं जाए। रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी इसका उद्घाटन दिल्ली से करेंगे। सारी कार्रवाई दिल्ली में की जा रही है और यहाँ ऐसे देखिए, आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि इस महामारी के दौरान और लॉकडाउन के दौरान भी हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने समय निकालकर ये जो बीआरओ की तरफ से 6 ब्रिज जो मेजर ब्रिज थे वो बनाए गए थे, उनका आज शुभारंभ करवाया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसका शुभारंभ नहीं होता तो इसका लाभ लोगों को नहीं मिल सकता था, लेकिन इसका अब लाभ जो है वो लोगों को मिलेगा। जो कुछ ब्रिज जो है वो हीरानगर में है, कुछ ब्रिज जो अखनूर विधानसभा और कुछ ब्रिज जो है वो खोड़ विधानसभा में है। ये बीआरओ ने बनाए हैं, इसकी करोड़ों रुपए लागत लगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लॉकडाउन और महामारी के दौरान भी विकास के कार्यों में कहीं कमी नहीं आई है। मैं बीआरओ की सराहना करना चाहता हूँ जिन्होंने इस महामारी के दौरान भी ये काम जो है वो समय से कंप्लीट किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यही है नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा जो था कि सबका साथ सबका विकास। तो मैं आज सबको बधाई देना चाहता हूं कि ई इनॉग्रेशन द्वारा अपने राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। इस मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। पिछले कल भी सर एक हत्या कर दी जाती है भाजपा नेता की, उससे पहले से पंचकी भी की जाती है, क्या देखते हैं किस तरह की सुरक्षा? देखिए, लोकतंत्र के दुश्मन जो हैं वो ये सहन नहीं कर पा रहे हैं कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों। और आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से जहां पर बहुत अच्छा कार्य जो है वो चल रहा था और लोकतंत्र की बहाली हो रही थी, लेकिन ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके द्वारा प्रेरित जो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये बहुत ही निंदनीय बात है, ये दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी सरकार से और आपको भी ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे।
उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। बॉर्डर के लोग काफी परेशान हैं, लेकिन बॉर्डर के लोग काफी परेशान, हर साल फायरिंग हो रही है उस सेक्टर से लेकर हिरणा का सेक्टर जो पूरी तरह से। देखिए नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तरक्की की है और भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है और हमारे बॉर्डर जो है वो मजबूत हुए हैं। अब पड़ोसी मुल्क जो है वो ऐसी हरकतें करता रहता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, क्योंकि भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और वो आतंकवाद की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपनी वेल्ड फोर्सेस और हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान हैं, हमारे पुलिस कर्मी हैं, हमारे आर्मी के नौजवान हैं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वो डटकर उनका मुकाबला कर रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। सर उनके 10 सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे, क्या लगता है सिक्योरिटी जो है रिव्यू? ऐसा है देखिए, वो भी ताक में रहते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो आतंकवादी जो है वो ताक बनाते हैं कि कब उनको मौका मिले, तो कहीं ना कहीं ऐसा मौका उन्होंने निकाल रही है जो बहुत निंदनीय बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके पास सुरक्षा जो घेरा था वो भी था, उसके बावजूद भी उनकी हत्या की गई है। इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए कि आने वाले दिनों में किसी राजनेता की, किसी राजनीति की कोई ऐसी घटना ना घटे। धन्यवाद।